इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुलगीर एहतजाज, लाहौर जेल रोड से सलमान अकरम राजा गिरफ्तार। वो एहतजाज के लिए पहुंचे तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, कारकुनान की भी पकड़ धकड़, 15 से ज़ायद अफराद को धर लिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी का धांधली का एतराफ, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लियाकत चट्ठा कहते हैं डिवीजन के 13 एमएनएस को हराया, 70,000 की लीड को शिकस्त में बदला। धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर भी मुलव्वस हैं। मैंने जो मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा वो मुझे सोने नहीं देता, अपने बोझ का जमीर खुद उतार रहा हूँ, गद्दारी नहीं कर सकता, पुलिस गिरफ्तार करे। इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम की तरजीद, तर्जुमान ईसीपी के मुताबिक मामले की इंक्वायरी कराई जाएगी। निगरान वजीर अला पंजाब का इल्जामात का नोटिस, गैर जानबदाराना तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। बलोचिस्तान का नया वजीर आला जियाला होगा, आसिफ अली जरदारी का दावा। जरदारी हाउस में पीपी क्यादत की सूबे के 9 मुंतखब अरकीन असेंबली से मुशावरत, शुरका के इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दे दिया। हुकूमत साजी का मिशन, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमेटियां आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी, सिफारिशात को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। खुर्शीद शाह कहते हैं किसी जमात को क्लियर मैंडेट हासिल नहीं, अगर नून लीग की हुकूमत बनेगी तो चलेगी, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा ने अमीर की हैसियत से सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया, क्यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तर्जुमान कैसर शरीफ कहते हैं इंतखाबात में नाकामी धांधली की वजह से हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी इस्तीफा दें, अमीर जमात अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पुलिस के 4 स्क्वाड, 1 जैमर ट्रैफिक पुलिस का पायलट लगा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपना तरजीही एजेंडा जारी कर दिया, शहरियों के जानो माल की सलामती का तहफ्फुज़, कानून की हुक्मरानी अव्वलीन तरजीह करार, हुकूमत संभालते ही सेहत कार्ड बहाल किया जाएगा, गरीबों के लिए लंगर खाने और पनागाहें आबाद होंगी। बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में सजा का फैसला चैलेंज कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, एहतसाब अदालत का 31 जनवरी का फैसला कल अदम करार देने की सदा। नैब ने तासुब पर मबनी तफ्तीश की, सियासी मुखालफीन की हिदायत पर बदनीयती पर मबना झूठा रेफरेंस दायर किया गया, दरख्वास्त में मौकिफ। मुल्क भर में क्रिकेट बुखार, वो भी 104, पीएसएल 9 का आगाज चंद घंटे बाद, इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां फाइनल, क्रिकेट से पहले होगी भरपूर एंटरटेनमेंट, अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे, आतिशबाजी भी होगी। और भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च चौथे रोज भी जारी, हरियाणा पुलिस का किसानों पर तशद्दुद, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, 3 किसान बिनाई से महरूम हो गए।